हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पप्स टू प्लांट। आज हम देखेंगे कि हम जो नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं उसे किस तरह से अपने पॉट में ट्रांसफ़र करें या फिर ट्रांसप्लांट करें। तो देखें, ये जो मैंने पॉट लिया है ये नॉर्मल साइज़ है, 10 इंच का पॉट है प्लास्टिक का, और इसके नीचे होल्स हैं। ये देखिए, ये जो होल्स हैं ये हमारे प्लांट्स में होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनकी वजह से हमारे जो प्लांट की एक्स्ट्रा वाटर है वो हमारे प्लांट से निकल जाएगा। अगर ये आप होल्स नहीं करेंगे तो आपके प्लांट्स की रूट सारी गल के ख़राब हो जाएंगी। तो अब देखते हैं हम किस तरह से इसे फिल करेंगे। कोई भी प्लांट लगाने से पहले आप कोशिश करें उसके नीचे अगर आपके गार्डन की कुछ ड्राई लीव्स हैं या फिर आप अगर अपने आसपास से किसी गार्डन से ड्राई लीव्स ला सकते हैं तो सबसे नीचे आप पहले ड्राई लीव से उसको फिलअप कर लें। ड्राई लीव से फिलअप करने के बाद आप अपने गार्डन की जो सॉइल है वो इसके अंदर फिलअप करें। इस सॉइल के अंदर मैंने ऐड किया है 40% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी हल्दी और सीवीड एक्सट्रैक्ट। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने किस तरह से अपने सॉइल का मिक्सचर बनाया है तो आप मेरी एक सॉइल प्रिपरेशन पर जो वीडियो मैंने बनाई थी वो आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें अपने गार्डन की सॉइल या फिर अपने पॉट की सॉइल प्रिपेयर करनी चाहिए। अपने प्लांटर को हाफ सॉइल से भरने के बाद अब हम इसके अंदर प्लांट लगाएंगे। जब आप प्लांट अपने पॉट के अंदर लगा रहे हो तो कोशिश करें कि इसकी जो बॉल है, रूट बॉल है, वो उसको डैमेज ना करें आप। अगर आप बारिशों के टाइम ये काम कर रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गर्मियों में या फिर बहुत ज़्यादा ठंड में ये काम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके प्लांट को पता ही ना चले कि आप उसको किसी बड़े पॉट के अंदर या किसी दूसरे पॉट के अंदर डाल रहे हैं, अदरवाइज़ उसकी जो रूट्स है वो डैमेज हो जाएंगी और वो ग्रोथ नहीं ले पाएगा। आप जब अपना प्लांट इसके अंदर रख दें उसके बाद इसकी रूट्स के आसपास ये दालचीनी का पाउडर है ये डाल दें। इससे आपकी जो रूट्स की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ये घर की ही दालचीनी है जिसे मैंने ग्राइंड किया हुआ है। मेक श्योर जब आप अपने पॉट के अंदर सॉइल फिल कर रहे हैं तो उसे इतना ज़्यादा ना भरें कि पानी डालने के लिए आपके पॉट के अंदर स्पेस ख़त्म हो जाए। आपको कम से कम इतना स्पेस, 1 से 2 इंच का स्पेस अपने पॉट के अंदर रखना है ताकि आप जब पानी दें अपने प्लांट को तो उसके अंदर स्पेस हो अच्छे से और अच्छे से पानी वो होल्ड कर पाए। तो देखिए, हो गया हमारा प्लांट अच्छे से प्रिपेयर। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये प्लांट मैं कहाँ से लेके आई हूँ तो आप मेरा गवर्नमेंट नर्सरी से लाए हुए प्लांट्स का वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने शेयर किया था आप लोगों से कि मैं कितने सस्ते में अपने प्लांट्स लेकर आई हूँ। ये वही प्लांट है और इसे आज मैंने ट्रांसप्लांट किया है। ट्रांसप्लांट करने के बाद हमें पानी डालना बहुत ज़रूरी है मिट्टी के अंदर, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो एयर पॉकेट्स बन जाती हैं वो सब इस पानी डालने से पूरी तरह से फिलअप हो जाएंगी। और जब पहली बार आप अपने प्लांट के अंदर पानी डालें तो इतने अच्छे से डालें कि उसके जो नीचे होल्स हैं उसमें से सारा पानी निकल के बाहर आ जाए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।